So this film festival was very different for me because I'm coming from the United States, and I felt that what we just seen right now transcends culture because it is something that is experienced by people from all different cultures. And so it was a really beautiful depiction of something that many families suffer with dementia and Alzheimer's. And I think anybody, any culture, any country would find something valuable in that film. You are in India. What do you have to say about the culture of India and especially about the main dominant scenario? you really don't want to hear that opinion. I would have to say that the culture itself is really beautiful and it's very family oriented. And I think that that itself, to me, is very beautiful because even though times have changed and technology has come in, I see a very big closeness to the culture here in the country. Okay. So how long are you going to be here? Just got this film. Why so excited to see this film? Because my friend here, come here. He actually told me about the film, a little bit about the story, and it was very close to something similar I had went through when I took care of my dad. So I felt like I really needed to come and see this. हमारे दो फिल्म हैं मुझे अभी पता चला इनके हम बड़े फैन हैं और इनके साथ काम करते हैं और यशपाल हमारे बड़े भाई हैं दादा लक्ष्मी देखने खास आए हम एक्चुअली लॉकडाउन के दौरान यशपाल भाई ने कहा था कि उनकी फिल्म बन रही है और हमारे आदित्य लाखिया साहब की भी फिल्म बन रही है तो उस वक्त आमिर भाई आशुतोष और पूरी लगान की टीम हम सोच रहे थे एक दिन इकट्ठा मिलेंगे और ये फिल्में देखेंगे क्योंकि एक दूसरे से मिलना रहा लॉकडाउन के दौरान हम मिल नहीं रहे थे और फाइनली आज मैं ये फिल्म देख रहा हूँ आई एम सो हैप्पी ये प्लेटफॉर्म इतना फैबुलस प्लेटफॉर्म है एंड मैं मेरे दोस्तों से भी मिला और उनके अब्बा से भी मिला तो बहुत बड़ा दिन है जिंदाबाद फॉर ग्रेट वर्क हैपनिंग इन इंडस्ट्री एंड फॉर पीवीआर गिविंग अस सच अ लवली प्लेटफॉर्म चीयर्स वे टू गो गाइस एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर विदाउट यू वी कांट गेट एनीवन वी कांट गेट एनीवन सिने ड्रीम्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मेरी फिल्म अंतरनाथ द वॉइस विद इन स्क्रीन हुई अभी मैं मेरी पूरी टीम और मेरे दोस्तों के साथ आया हूँ एंड आई एम वेरी एक्साइटेड और वी हैड एन ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स एंड आई एम रियली हैप्पी दैट यू नो माई माई फादर माई फ्रेंड्स माई क्रू माई टीम मेंबर माई म्यूजिक डायरेक्टर माई को राइटर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एक्टर्स इन माई फिल्म अनुज नायक एवरीबडी इज हियर एंड माई फ्रेंड्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव कम टू चीयर एंड सपोर्ट फॉर मी जी मैं बोलना चाहूंगी जो सिने अवार्ड्स आयुष सर ने जो ऑर्गेनाइज किया है वो बहुत अच्छा है मतलब न्यू कमर्स के लिए हम लोग को एक मौका मिलेगा प्लेटफॉर्म पे आने का लोगों को मतलब लोग हमें पहचानेंगे तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा है कि और न्यू कमर्स के लिए कुछ ओपन हुआ है जो कि आगे स्ट्रगल करते हैं बाहर सिटी से आते हैं बट मुझे बहुत अच्छा लगा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल चल रहा है यस आई एम रियली प्राउड ऑफ माय डैड इज अ लॉन्ग वे थ्रू एंड या वी आर वेटिंग फॉर द मूवी यप इट्स दादा लक्ष्मी चंद एंड इट्स अ डॉक्यूमेंट्री इट्स म्यूजिकल बेस्ड या समथिंग टू लर्न अबाउट रियली मोटिवेशन I'm gonna say the same thing. I'm supporting my friend and his father. I'm here to watch his movie, and I'm very excited for that. And I'm sure we're gonna get the award also for like yeah, we're hoping. We are hoping. बड़ा खुश हूँ मैं कि सिने ड्रीम्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आज हमारी फिल्म का स्क्रीनिंग हुआ रिस्पॉन्स तो अच्छा ही था लोगों का और जिस तरीके से लोगों ने रिस्पॉन्ड किया खुश हूँ मैं काफी और अच्छा लग रहा है कि फिल्म को लोग देख रहे हैं नीतू मैम को बड़ा मिस कर रहे हैं हम क्योंकि ये आइडिया ही उनका है प्रोजेक्ट ही उनका है शी इज द वन हु आर मेकिंग दिस सच ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट इलेक्शन आ रहा है बाबा जीतेंगे भी इतना अच्छा काम था कि उन्होंने किया है और एज अ फिल्म मेकर हमें हर बार लगता है कि जो काम कॉमन मैन के लिए जो
सामान्य आदमी के लिए बाबा ने जो किया है वो हर घर तक पहुंचा है और इस इलेक्शन में उसके रिजल्ट भी दिखे। थैंक यू यशपाल शर्मा को बहुत बहुत बधाई है। इतनी बढ़िया फिल्म बनाई है दादा लक्ष्मी। ये जब पहली बार दादा लक्ष्मी का गाना रिकॉर्ड करके यशपाल ने मुझे सुनाया था, वो गाना सुन के ही मतलब मुझे लगा था कि ये फिल्म बहुत कमाल की फिल्म बनने वाली है। और जो पैशन था यशपाल का इस फिल्म को लेकर वो रिमार्केबल था, और आज उसको उसका फल भी मिला है। इस फिल्म को नेशनल अवार्ड मिल गया है और मैं दिल से दुआ करूंगा कि दादा लक्ष्मी को और भी अवार्डों से नवाजा जाए और उसको पब्लिक ज्यादा से ज्यादा देख पाए। ये मेरी बेस्ट विशेज हैं यशपाल को और इस फिल्म को, दादा लक्ष्मी से जुड़े हुए सभी किरदारों को, सभी टेक्नीशियंस को।